हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिश कुमार और आप देख रहे हैं टिप टॉप टीच। आज मैं इस वीडियो में कैसे ऐप्स के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपने फोटो पे पुराने फोटो पे नए लुक दे सकते हैं, उसमें नए नए बैकग्राउंड लगा सकते हैं और नए नए डिजाइनिंग कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे बटन करके सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं आपके लिए काफी बड़े बड़े वीडियो हमेशा लेके आते रहता हूँ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो का जिससे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, जो कि लिंक नीचे दिया हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए करना क्या, सबसे पहले आप अपने फोन के प्ले स्टोर में जाएं, ऊपर सर्च करें अल्टीमेट फोटो मिक्सर। जैसे आप सर्च करेंगे अल्टीमेट फोटो मिक्सर तो आपको फर्स्ट में जो कि इस टाइप का लोगो वाला ऐप्स दिखाई देगा। आप देख सकते हैं जो कि रेटिंग जो कि काफ़ी बढ़िया रेटिंग दिया गया है जो कि 4.5 का है। जैसे इंस्टॉल हो जाने के बाद आपके फ़ोन के डिस्प्ले पर इस टाइप का आपको लोगो दिखाई देगा। इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से इसे क्लिक करके डाउनलोडिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसे ओपन करना। जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको कुछ लोडिंग होगा। लोडिंग हो जाने के बाद आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पे पेज आ जाता है। आप नीचे देख सकते हैं जो कि काफ़ी इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है। सबसे पहला ऑप्शन है जो कि बैकग्राउंड। आप चाहे तो आप बैकग्राउंड में अपना फ़ोटो लगा सकते हैं, चाहे तो हैंड टू हैंड फोटो क्लिक करके लगा सकते हैं, चाहे तो आपको इसमें ऑलरेडी इतना सारा इफ़ेक्ट्स दिया हुआ जो कि आप अपने बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। तो चलिए मैं एक चूज कर लेता हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से बैकग्राउंड जो कि सेट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि दूसरा ऑप्शन जो कि आपको मिल जाता है फ़ोटो का। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आ जाता है, कैमरा यानी आप चाहे तो हैंड टू हैंड फोटो क्लिक कर सकते हैं, चाहे तो आपके पास ऑलरेडी फ़ोन में होगा तो आप वहाँ से इसे ला सकते हैं। तो चलिए मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ। फ़ोटो लेने के बाद आपको यहाँ पे जितना एडजस्ट करना है इस तरह से आप क्रॉप कर सकते हैं। जितना आप अपना फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है गुड पे। आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से आपको इसमें सेट हो जाएगा। चाहे तो आप अपने फ़ोटो को बड़ा या छोटा या कहीं ऊपर या नीचे कर सकते हैं। इस तरह से बड़ा या छोटा कर सकते हैं जितना रखना। चाहे तो आप ऊपर लगाना चाहते हैं आसमान में तो ऊपर आसमान में लगा सकते हैं, चाहे तो नीचे लगाना चाहते हैं समुद्र में तो आप नीचे समुद्र में इस तरह से लगा सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आपको दो लाइन मिल जाता है। यहाँ पे आप अपने फ़ोटो का ब्राइटनेस अधिक या कम कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने फ़ोटो को जितना रखना चाहते हैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ रखना है तो आप इस तरह से यहाँ से फिट कर दें। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं जो कि यहाँ पे मिल जाता है इरेजर का। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इरेजर का जो भी कर्सर है आप इसे बड़ा यहाँ से छोटा कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने फ़ोटो को मिला सकते हैं, इससे अच्छे तरह से मिला सकते हैं जितना रखना चाहिए। इस तरह से काफ़ी बढ़िया से आप धीरे धीरे करेंगे तो आपको काफ़ी देर बढ़िया से इसमें मिल जाता है। उसके बाद जैसे ही मिल जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना ऊपर। आप देख सकते हैं लेकिन यहाँ पे गुड का ऑप्शन आपको आप मिल जाता है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ यहाँ से भी काफ़ी बड़े बड़े जो कि ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे सबसे पहला देख सकते हैं जो कि सेटिंग का कुछ बना। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप अपने फ़ोटो का ब्राइटनेस शार्पनेस इस तरह से बढ़ा या घटा सकते हैं। जितना रखना चाहते हैं तो आप इस तरह से पूरा बैकग्राउंड के साथ साथ आप अपने फ़ोटो का भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही कंप्लीट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है गुड पे। उसके बाद आप अपने फ़ोटो को क्रॉप कर सकते हैं, जितना रखना चाहते हैं इस तरह से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ से साइज भी ले सकते हैं। उसके बाद जैसे ही कंप्लीट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। उसके बाद देख सकते हैं जो कि यहाँ से आपको थर्ड ऑप्शन मिल जाता है जो कि चाहे तो आप अपने फ़ोटो को उल्टा यानी लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट कर सकते हैं। इस तरह से जैसे आपको रखना है इस तरह से तो आप कर सकते हैं। इस तरह से आपको इसमें चार ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद जैसे कंप्लीट होने के बाद ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद चाहे तो यहाँ से इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, जो भी आपको इफ़ेक्ट अच्छा लगता है तो आप यहाँ से इस तरह से उसे बढ़ा या घटा सकते हैं। इफ़ेक्ट्स को कितना रखना है तो आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना गुड पे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जो कि कुछ यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर इसे क्लिक करेंगे तो आप इस तरह का भी इफ़ेक्ट इसमें डाल सकते हैं। जैसे इसी इफेक्ट का कितना आपको रखना है तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं जो कि आपको बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाता है जो कि इस तरह से चारों लाइन में आप जितना रखना चाहते हैं बॉर्डर तो इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप बॉर्डर में आप कलर भी कर सकते हैं, रंग भी इसमें आप डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद पड़े कलर तो आप इसे चूज करके आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। चाहे तो आप बड़ा या छोटा इस तरह से आप कर सकते हैं।
उसके बाद जब कंप्लीट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जब पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना एसडी कार्ड में। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एसडी कार्ड यानी आपका फ़ोन में सेव हो जाएगा। सेव हो जाने के बाद आप चाहे तो आप डायरेक्टली यहाँ से शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं जो कि शेयर का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहीं से कहीं व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्टली होम पे भी आ सकते हैं इस तरह से। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।